अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉलीवुड शोबिज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, इंसान जब ज्यादा खुशियाँ देख लेता है तो ये नेचुरल सी बात है कि उसे रोना भी पड़ता है। कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते, मगर हकीकत यही है कि जब हम बहुत खुश हों तो दुख भी साथ साथ ही चलते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि ऐमन खान ने और मीनाल खान ने अपनी बर्थडे ने कितने शानदार तरीके से अमल की बर्थडे की थी और वो उस पर कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन जिस दिन अमल की बर्थडे थी उस दिन उन्होंने अमल की बड़ी सालगिरह सेलिब्रेट नहीं की, क्योंकि उस दिन उनके वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उन्होंने अपने फादर के लिए दुआ की अपील का भी कहा था। लेकिन उनके घर से एक बार फिर से आ गई है एक दुख की खबर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जरूरी है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ऐमन और मीनाल के फादर पहले भी बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिस वजह से अमल की बर्थडे वाले दिन सालगिरह नहीं की जा सकी। और बर्थडे पर भी वो काफी खुश नजर आ रहे थे और सेहत याब नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो एक बार फिर से काफी बीमार हो गए हैं और ऐमन ने दोबारा से दुआओं की अपील के लिए कहा है कि खुदारा मेरे फादर के लिए दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाएं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐमन और मीनाल के फादर के लिए, बल्कि उन सब फादर्स के लिए और उन सब मरीजों के लिए दुआ करें जो इस वक्त बीमार हैं और बीमारियों से लड़ रहे हैं, कि वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाएं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस बारे में बताएं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मीनाल और ऐमन के फादर के लिए दुआ करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।